सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद। वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, राकेश भाई फ्री डिश को गवर्नमेंट कब पे करेगी, कुछ जानकारी है तो बताओ। तो बेसिकली ये जो कमेंट किया है, बंटी शर्मा ने कमेंट करा है और इनका सवाल बड़ा प्यारा सा है। इनका सीधा सीधा पूछना है कि जो डीडी फ्री डिश है आखिर वो कब पे होगा, बिकॉज डीडी फ्री डिश की वजह से केबल टीवी और डीटीएच के कनेक्शन कम होते जा रहे हैं। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, इनका जो सवाल है कि डीडी फ्री डिश आखिर कब पे होगा, तो मैं आपको बंटी शर्मा जी एक ही वर्ड में बताना चाहता हूँ कि डीडी फ्री डिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार उन ग्राहकों के लिए लेकर आया है जो फाइनेंशियली वीक हैं या अपने मनोरंजन के लिए एक भी पैसा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते हैं, उन ग्राहकों के लिए डीडी फ्री डिश की सर्विस प्रोवाइड कराई गई है। पुराने टाइम पे अगर एक डेकेड पीछे जाएं, 10 साल पीछे अगर जाएं हम लोग, तो पहले आपके यहाँ दूरदर्शन आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें एक एंटेना लगाया जाता था और एक बलून वाला जो ये होता था कॉर्ड, वो टेलीविज़न में लगाते थे और उसके बाद सिर्फ आपको डीडी नेशनल या कुछ दूसरे शहरों में डीडी मेट्रो दो चैनल आपको देखने को मिलता था जिसकी सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। लेकिन उसी टाइम पे जो लोग चाहते थे प्रीमियम कंटेंट देखना, यानी कि लॉट ऑफ चैनल देखना, दूरदर्शन के साथ साथ मूवीज़ के चैनल देखना, स्पोर्ट्स के चैनल देखना, मल्टीपल न्यूज चैनल देखना, तो वहाँ पे एनालॉग का प्रोविज़न था। एनालॉग में बेसिकली आपके पास 60 से 70 चैनल लेकर आते थे सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए 100 से 150 रुपये चार्ज किया जाता था, लेकिन दूरदर्शन कोई भी चार्ज नहीं करता था, वहाँ पर फ्री में दिखाता था और एनालॉग में आपको प्रीमियम कंटेंट देखने को मिलते थे। उसके बाद डिजिटलाइजेशन हुआ, सूचना प्रसारण मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब थे उस समय सूचना प्रसारण मंत्री, तब उनने डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम का जो सर्विसेज है लेकर आए और जिसमें डीडी फ्री डिश का इजाद किया गया। डीडी फ्री डिश में बेसिकली देखने के लिए एक आपको सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत होती है, एक डिश की ज़रूरत होती है, उसमें सिग्नल दीजिए, चैनल ट्यून करिए और फ्री में 100 से ज़्यादा आप चैनल आज के डेट में आपको देखने को मिलते हैं जिसमें स्टार, कलर, सोनी और जी जैसे ब्रॉडकास्टरों के भी चैनल अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जो डीडी फ्री डिश जो सर्विस है, जिस तरीके से आपके प्राइवेट डीटीएच केबल टीवी में मल्टीपल चैनल देखने को मिल रहे हैं, पेड चैनल देखने को मिलते हैं प्लस फ्री चैनल देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से डीडी फ्री डिश में जो भी चैनल है ये ऑक्शन के प्रक्रिया से ऐड होता है और इन सभी चैनलों के लिए एक मोटी रकम लेता है डीडी फ्री डिश चैनल वालों से और बदले में डीडी फ्री डिश उस सभी ग्राहकों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाता है। यानी कि डीडी फ्री डिश का जो एक्सपेंस है चैनल देता है। अगर मान लीजिए अगर आज तक चैनल है तो आज तक चैनल उनको करोड़ रुपए एक साल का देता है। अगर जी अनमोल चैनल है तो जी अनमोल चैनल उनको करोड़ रुपए एक साल का देता है। उन सभी चैनलों से डीडी फ्री डिश का एक्सपेंस निकलता है और बदले में भारत सरकार डीडी फ्री डिश की मदद से जो ग्राहक विदाउट रिचार्ज या विदाउट एक्सपेंस एनी रुपीज़ चैनल देखना चाहते हैं उनके लिए डीडी फ्री डिश बनाया गया है। तो डेट्स वाई डीडी फ्री डिश का जो प्लेटफॉर्म है भारत सरकार द्वारा चलाया गया है और इस प्लेटफॉर्म को कभी भी पे नहीं किया जाएगा। आने वाले टाइम पे इस पे और भी चैनल बढ़ाए जाएंगे बट इसे पे नहीं किया जाएगा, ये फ्री टू एयर ही रहेगा। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि डीडी फ्री डिश में इतने सारे चैनल मिल रहे हैं तो हम पे क्यों देखें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि एक नॉर्मल एग्जांपल पहले, खाना सभी के घर में बनता है लेकिन फिर भी आप कभी न कभी वीक में या मंथ में बाहर ज़रूर खाने की इच्छा होती होगी या कभी शाम में स्नैक्स लेना है, ये लेना है, घर में भी बन सकता है बट आपको बाहर का टेस्ट लेना पसंद होता है। उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसी तरीके से जो पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मल्टीपल चैनल्स पे कंटेंट्स देखने को आपको मिलते हैं जैसे स्टार प्लस, जी टी वी, सोनी, कलर्स, जी के बहुत सारे एन टी वी चैनल है, स्पोर्ट्स के चैनल है, बहुत सारे इंग्लिश मूवी चैनल है जो कि आपको डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर कभी भी देखने को
नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं एक्सटर्नली टेस्ट लेना, एक्सटर्नली चीज़ें और यूनिक कंटेंट देखना, तो आपको पे प्लेटफॉर्म पर जाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पुरानी चीज़ें ही देखनी हैं और हमें तो बस न्यूज़ देखना है, तो उस केस में डीडी फ्रीडिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डीडी फ्रीडिस है तो बाकी की इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी घर में 3 TV थे, तो पहले जब NTU नहीं था तो वहाँ पर 3-3 जरूर आपका केबल TV लगा होगा या DTH लगा होगा, लेकिन NTU आने के बाद, चैनल के रेट महंगे होने के बाद, यहाँ पे दोस्तों अगर घर में 3 TV है तो 2 TV पे केबल TV होगा, 1 TV पे आपका डीडी फ्रीडिस जरूर होगा, क्योंकि जितने भी ओल्ड एजेस हैं वो लोग या तो डिवोशनल या तो न्यूज़ ही देखना पसंद करते हैं। तो दैट्स वाई डीडी फ्रीडिस का जो प्लेटफॉर्म है, पे होने के इनके चांसेस नहीं है। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।